कोलचेस्टर मेक गैप बेड टाइप लेथ मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन. दिस इज अ मेड इन इंग्लैंड कोलचेस्टर मेक लेथ इक्विप्ड विद अ टू एक्सिस DRO. Currently, the spindle RPM is at 370 RPM, 370 rotations per minute. And as we can hear, there is no noise at all in the spindle of this machine. The machine is equipped with a two-axis DRO. इसमें gap bed है तो chuck के पास relatively ज़्यादा swing diameter है. And it is also a right-hand type lathe. The machine is already equipped with a four-jaw chuck, and it is complete with a self-centering three-jaw chuck. We also have a three-point steady with it. We have the operating manual and the electrical drawings also available. जो इसमें gap bed है, तो जो वो gap piece है, that is also available with us. इसमें कूलेंट पंप एंड कूलेंट की ट्रे भी है वो नीचे लगी हुई है. सबसे पहले इसका कैरेज का फीड ट्रैवल चला दो. वी हैव राइट नाउ एंगेज द फीड ट्रैवल ऑफ द कैरेज. द होल कैरेज इज नाउ गोइंग फॉरवर्ड इन फीड. ठीक है, जो ये कैरेज अभी आगे जा रहा है इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो और कैरेज को भी पीछे की तरफ भेज दो. ठीक है, वी हैव नाउ रिवर्स डायरेक्शन. द कैरेज विच वॉज अर्लियर गोइंग फॉरवर्ड इज नाउ गोइंग बैकवर्ड. सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर. इसमें एक कैरेज की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए फीड की शाफ्ट की रोटेशन को चेंज या रिवर्स नहीं करना पड़ता, ये यहीं से रिवर्स हो जाता है. ठीक है, क्रॉस लेट चला दो. ठीक है, अभी हमने क्रॉस लेट का फीड ट्रैवल चला दी है. The feed travel of the cross can be seen. The change in the DRO reading can be seen. ठीक है, reverse कर दो. ठीक है, reverse कर दिया. जो पहले ये अंदर जा रहा था अभी बाहर की तरफ आ रहा है. ठीक है, DRO एकदम ठीक काम कर रहा है. ये अभी फिर से एक बार कैरेज पे चलाना आगे पीछे. अभी हमने फिर से आगे पीछे पे फीड ट्रैवल इंगेज कर दिए. एंड द चेंज इन द एक्स एक्सिस DRO रीडिंग कैन बी सीन. सो बोथ द एक्सिस एक्स एंड वाई कैरेज का एंड क्रॉस लाइट का DRO एकदम ठीक काम कर रहे हैं. ठीक है, जो ये आगे की तरफ अभी कैरेज जा रहा है इसके फीड के अलग अलग रेट दिखा दो. डिफरेंट फीड रेट्स ऑफ ट्रैवल. कोई और? ठीक है, ये तेज हो गया. कोई और? कोई और? इधर से करो, करो करो करो, रोक के करो. अभी हम फीड के अलग अलग रेट दिखा रहे हैं, अभी और तेज करेंगे. ठीक है, ये फीड का रेट अभी और तेज हो गया. अभी कोई और दिखाओ. ठीक है, अभी ऊपर लीवर से सबसे कॉर्नर से उसके घर वाले से. हाँ ठीक है, अभी फिर से स्लो कर दो. ठीक है, ये और तेज हो गया. स्लो स्लो फीड को ही स्लो. हाँ ओके, वी आर अगेन रिड्यूसिंग द फीड रेट ऑफ ट्रैवल. ठीक है, ये अभी फिर से फीड का रेट कम हो गया. ठीक है, वी हैव नाउ स्टार्टेड द रोटेशन ऑफ द लीड स्क्रू. थ्रेडिंग के ऑपरेशन दिखाने के लिए इसमें जो थ्रेडिंग का चार्ट है वो भी क्लियरली विजिबल है. एंड इसमें जो ये बहुत अच्छा फीचर है, इधर भी दिया हुआ है, ये थ्रेडिंग के हिसाब से इसे 0, 1, 2, 4 पे लगा सकते हैं. एंड उसका भी चार्ट यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, इसको पूरे कैरेज को एक बार थ्रेडिंग पे लगा दो.
ठीक है, अभी जो पूरा कैरेज है वो थ्रेडिंग करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी डायरेक्शन वहाँ पीछे से रिवर्स करो, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की थ्रेडिंग के लिए होता है। ठीक है, अभी हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो लीड स्क्रू भी अभी रिवर्स रोटेशन रोटेट होना स्टार्ट हो गया और जो कैरेज पहले आगे जा रहा था वो अभी पीछे जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट स्पिंडल स्पीड्स राइट नाउ द चक इज एट इट्स मिनिमम स्पीड ऑफ 20 RPM, 20 रोटेशंस पर मिनट। ठीक है, तेज कर दो, ये 115 जो 115 RPM ये चला दो। वी आर नाउ इंक्रीजिंग दी स्पीड, हंड्रेड एंड फिफ्टीन रोटेशन पर मिनट। ठीक है, चक को फिर रोको, मोटर बंद मत करना, वैसे एंगेज डिसंगेज करो। हाँ ठीक है, अभी और तेज कर दो, 350 के आसपास कोई 370 दिखा दो। वी हैव फर्दर इंक्रीज द स्पीड ऑफ द चक रोटेशन, करंट स्पिंडल स्पीड 370 RPM, 370 रोटेशंस पर मिनट। ठीक है, 700 के आसपास कोई, करंट स्पिंडल स्पीड 666 रोटेशंस पर मिनट। ठीक है, 1200 के आसपास कोई, करंट स्पिंडल स्पीड 1195 RPM, 1195 rotations per minute. There is no noise at all in the gearbox or in the spindle. अभी जो भी maximum RPM है वो चला दो, maximum spindle speed 1600 RPM, 1600 rotations per minute. The condition of the spindle, the condition of the gearbox is excellent. There is no noise at all. Manual travels, पहले आगे पीछे दिखा दो। The change in the DRO can be seen, पीछे ले जाओ। ठीक है, क्रॉस लाइट चला दो। ठीक है, दूसरी तरफ, फिर से दूसरी तरफ। ठीक है, टूल पोस्ट, इसमें टूल पोस्ट में ऑलरेडी 3 टूल होल्डर लगे हुए हैं। दिस इज अ क्विक चेंज टाइप टूल होल्डर, इट इज अ मेड इन इंग्लैंड कॉल्ड चेस्टर मेक गैप बेड टाइप लेथ मशीन। कोलचेस्टर मेक मशीन्स आर वन ऑफ द फाइनेस्ट लेथ मशीन्स। द मशीन इज कंप्लीट विद अ 3-jaw chuck, 4-jaw chuck, 3-point steady ऑपरेटिंग मैनुअल इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग एंड इट्स गैप बेड पीस एंड इज ऑल्सो इक्विप्ड विद अ 2-axis DRO। द मशीन इज इन ओवरऑल एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन एंड ऑल द फीचर्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन।